बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्वे इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफार्म से। मैं आज आपको ऑटो कैड सिविल 3D 2018 के अंदर क्रिएट न्यू पॉइंट स्टैंड के मुतालिक और क्रिएट न्यू डिस्क्रिप्शन की सेट और अप्लाइंग डिस्क्रिप्शन की के बारे में बताऊँगा पूरी डिटेल के साथ। ये आपके सामने मेरे पास पिछली वीडियो आ रही है जो मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले अपलोड की है, जिसके अंदर क्या आपको पूरी डिटेल के साथ बताया है कि आप ये पॉइंट्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उस पॉइंट की सेटिंग को आप कैसा कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मेरे को सर्च करके देख सकते हैं। ये देखें, आपके सामने एक साइड पे बिफोर अभी वाले पॉइंट्स हैं जिनकी कोई सेटिंग वगैरह नहीं है, और दूसरी साइड पर आपके अंदर ड्रैंग के अंदर आपको पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन की और इसके स्टाइल्स और ये ट्रीज वगैरह उसके सैम्पल्स वगैरह पूरे कम्प्लीट बने हुए हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर यही चीज़ बनाएंगे कि आप कैसे डिस्क्रिप्शंस की और इसके सैम्पल्स को सिविल 3D के अंदर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो इसके लिए ये आपके पास CVS फाइल जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शंस की आपको नज़र आ रही हैं। इसमें पोल्स हैं, लाइटिंग पोल्स वगैरह और सारा कुछ। उसके लिए आप सेटिंग के अंदर आ जाएं, इधर ऑटो कैड के अंदर पॉइंट्स को आप क्लिक करें और उसमें आपके पास थर्ड ऑप्शन आपके पास इधर पॉइंट स्टाइल नज़र आएगा। आप इसको क्लिक कर दें तो ये नीचे आपके पास पूरे इसके पॉइंट स्टाइल नज़र आ रहे हैं, सारे बेंचमार्क, ये इसका सैम्पल है डिफ़ॉल्ट, और इसी तरीके से ये इसका नेक्स्ट सैम्पल, और ये ट्रीज का सैम्पल है उसका, और ये वेल का सैम्पल है। उसके अलावा भी जो सैम्पल्स इसके अंदर आपको चाहिए हो वो आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने ड्राइंग के ज़रिए। मुख्तलिफ रोड्स के सैम्पल अपने हर एक के अपने अपने होते हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स इसके, तो ये सिलसिले में ये इसके बेसिक पॉइंट्स के अंदर ये पूरी ड्राइंग इंपोर्ट हुई है। यहाँ पे आप इसको एडिट करेंगे, ये देखेंगे आपके पास ये क्रॉस का सैम्पल आया हुआ है। आप इधर से उसको इसके पॉइंट्स के सैम्पल को और इसके टेक्स्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, आप मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे आपके पास अभी ये टेक्स्ट आपके पास प्लस वाले आ गए हैं, पहले मल्टीप्लाइड का निशान आ रहा था। इसी तरीके से ये आप इधर से इसकी पूरी सेटिंग और स्टाइल वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं मेन पॉइंट्स का, बेसिक पॉइंट्स का, वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। बाकी जो आप लेयर्स बनाएंगे वो उसकी लेयर्स अलग बनेंगे। बेसिक के ऊपर आ जाए और उसको राइट क्लिक कर दें, इसका आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कॉपी का। आप इसको कॉपी करके उसको लदा कर दें और रीनेम इसका चेंज कर दें, और जो आपके पास इस साइड के आपको CVS फाइल नज़र आ रही है एल पोल की, पहला ऑप्शन आप इधर से उसको नाम दे दें और इसका इधर से फॉर्मेट एल पोल का जो भी लाइटिंग पोल का आपको नज़र आपके पास है आप इधर से उसको अप्लाई करके ओपन करके ओके कर दें। तो ये देखिए आपके पास एल पोल की फॉर्मेट फाइल क्रिएट होगी। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ आ जाएं, इसको कॉपी करें और ई पोल इलेक्ट्रिक पोल का नाम दे दें अपना, और इलेक्ट्रिक पोल का जो भी सैम्पल आपके पास है आप दे दें। आप ये ड्राइंग में डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, इधर से ये सैम्पल आपके पास आ जाएंगे उधर से। इसी तरीके से नेक्स्ट आप कॉपी कर लें और अपना जो नेक्स्ट लेयर आपके पास CVS फाइल के अंदर ड्रेन की है मेरे पास, मैं ड्रेन करा देता हूँ और नीचे उसको सेलेक्ट करके और ड्रेन का जो भी फॉर्मेट मेरे पास है या जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा लें। तो ये देखिए मेरे पास आ गई, ये स्टेशन की एग्जिस्टिंग लेयर बनी हुई है पैलोन के नाम से, STA के नाम से। उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ जस्ट एडिट करके, पैलोन के नाम से सैम्पल वगैरह मैं वही रख लेता हूँ उसका। उसके बाद आप इसी तरीके से उसको कॉपी करते जाएँ और जो जो आपके पास CVS फाइल के अंदर टॉपो के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह हैं आप उसके हिसाब से इधर अपने पॉइंट स्टाइल के हिसाब से इसका फॉर्मेट आप बना लें। ये फॉर्मेट आगे आपको डिस्क्रिप्शंस की के अंदर उसी तरीके से अप्लाई होंगे जिस तरीके से आप इधर इसको सेलेक्ट करके और उसके पॉइंट्स को आप बनाते जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये देखिए इस तरीके से ये आप सारे बनाते जाएँ और कापी आप करते जाएंगे और रिप्लेस करके नाम और जो जो आपके पास नाम है वो उधर इंटर करते जाएंगे। देखिए मेरे पास क्रम स्टोन CS इसकी शॉर्ट की जो लगी हुई थी, क्रम स्टोन को मैंने पूरा नाम दे के इधर और उसका पॉइंट स्टाइल वगैरह इधर से मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। इसी तरीके से रोड का मैं जर्नल प्लस वाला कर दूंगा इधर से। तो ये मेरे पास इस तरीके से जो मेरे पास CVS फाइल के अंदर जो जो डिस्क्रिप्शंस थी उसका मैंने पॉइंट स्टाइल इधर क्रिएट कर लिया। आप भी अपना इसी तरीके से पॉइंट क्रिएट कर लें।
इसके बाद आप सेटिंग के टैब में रहते हुए येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन की सेट के अंदर आ जाए, सिविल 3D आपके पास टैब नज़र आ रहा है, उसको आप इधर से राइट क्लिक कर दें और एडिट कीज़ के अंदर चले जाएं। एडिट कीज़ के अंदर जाएंगे तो ये टेबल आपके सामने खुल जाएगा। इसमें ये एग्जिस्टिंग 3 लेयर्स मेरे पास नज़र आ रही हैं जिसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा उसका टेबल बना हुआ है सारा फार्मेड का, पॉइंट सिलेबल स्टाइल और लेयर्स वगैरह उसके अंदर कैसे बनाते हैं, जो मेरे पास अभी एक्स्ट्रा है जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है मैं ख़त्म कर दूंगा। ये TRs का फार्मेट है ट्रीज़ का, तो ये इसको मैं रख लेता हूँ और इधर से मैं इसको जस्ट डबल क्लिक करके जो मेरे पास CVS में ये आपको साइड के ऊपर फाइल नज़र आ रही है जो फार्मेट में नाम था, नाम दे के और स्टार मैं साथ उसको दे दूंगा और उसका पॉइंट स्टाइल ट्रीज सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये पॉइंट लेबल स्टाइल को मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। आप इधर से डिफ़ॉल्ट कर लेंगे और इसी तरीके से इसकी लेयर नोट्स ट्रीज की ये बनी हुई है इसके अंदर। अब उसके बाद आपने इसको जस्ट इधर से न्यू राइट क्लिक करके न्यू कर देना है और न्यू के अंदर इसको आपने रिप्लेस कर देना है जो भी आप बनाना चाहते हैं, बेंच मार्क या ट्रेवर्स पॉइंट, जो भी नाम है आपना। और आपने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने स्पेस नहीं देनी और आपने एंड के ऊपर स्टार ज़रूर लगाना है। इसी तरीके से आप इसका पॉइंट स्टाइल डिफ़ॉल्ट जो हम पीछे बना चुके हैं अभी लास्ट टाइम पे, उसको आपने इधर से देख के और उसके बाद इसकी लेयर्स वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हैं सेलेक्ट करके लेयर कर दें। इसी तरीके से आप न्यू करते जाएंगे और डबल क्लिक करके ई पोल की आप अगली कमांड दे दें उसके अंदर और इधर से इसका पॉइंट स्टाइल आप सिलेक्ट कर लें, ये आपको इधर से इसके व्यू भी नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसकी लेयर पोल की आप सिलेक्ट कर लें। ये देखिए पोल की मेरे पास एक बन गई थी, इसी को मैं इधर से कॉपी करके रिप्लेस कर देता हूँ लाइटिंग पोल के साथ। इसी टाइप की जो फाइल्स होंगे आप उसको कॉपी करके और जस्ट ऊपर से नाम चेंज कर दें और स्टाइल वगैरह उसका जो भी चेंज करना है, बाकी सेटिंग इसकी वही रहेगी। तो ये लाइट पोल इसी तरीके से मेरे पास आ गया, इसको आप ओके कर दें इधर से ये आप, और ये देखेंगे आपके पास इसी तरीके से इसके फार्मेट सारे कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद आप दोबारा कॉपी कर लें उसको और यूटिलिटी पोल्स जिस तरह TNT पोल्स और दूसरी छोटे किस्म के पोल हैं मुख्तलिफ पोल, उनको यूटिलिटी पोल्स के नाम से इसका ये डिफ़ॉल्ट सेक्शन ये बना हुआ था उसके अंदर आप उसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप इसी तरीके से जो भी हमने पीछे पॉइंट स्टाइल के हिसाब से बनाए थे आप अपनी लेयर्स के हिसाब से अपने इसके कोड्स देते जाएं जो आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर नज़र आ रहे हैं, जो आपकी टॉपोग्राफी के अंदर फाइल के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने इधर देनी है और उसके अंदर किसी किस्म का गैप नहीं देना और बनाने के बाद आपने लास्ट में स्टार का सिंबल ज़रूर देना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। पॉइंट्स इम्पोर्ट्स के हवाले से आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं जो कि मेरे इसके अंदर मौजूद है YouTube के अंदर। इसी तरीके से आप अपना फार्मेट पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही दफ़ा कर लें। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसके अंदर आपको और भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी। तो इस तरीके से ये आप अपना काम सारा बनाते जाएँ, जो जो आपके पास डिस्क्रिप्शन कीज़ हैं उनके आप नाम लिख के और सबको एक ही दफ़ा इसको आप फाइनल कर लें इसी मेथड के ज़रिए, इसी तरीक़ेकार के साथ मैं सारे बना देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये ड्राइंग मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी रख दूँगा जिधर से आप इसको डाउनलोड करके और इसके जो फार्मेट्स वगैरह और सैम्पल वगैरह आपकी ड्राइंग के अंदर या ऑटोकैड के अंदर नहीं आ रहे सिविल 3D के अंदर, तो आप ये ड्राइंग उसके अंदर पेस्ट करेंगे तो ये आपके ये ड्राइंग के अंदर सैम्पल है वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखें लास्ट 12 वाला मैंने बना दिया सारे, तो ये भी मेरे पास सारी इसके पूरी कीज़ कोड्स और स्टाइल वगैरह से कम्प्लीट हो गए हैं सारे। तो इसके बाद आपने जस्ट इधर से प्रोस्पेक्टर के अंदर दोबारा आ जाना है और ये देखिए मैं आपके सामने वेल वाला एक ऑप्शन सामने रख देता हूँ, वो आपके सामने डायरेक्ट इधर से वो चेंज होएगा। आपने प्रोस्पेक्टर के अंदर आ जाना है और पॉइंट्स ग्रुप्स के अंदर आके अप्लाई टू डिस्क्रिप्शन की कर देना है। आप अप्लाई टू डिस्क्रिप्शन की करेंगे तो ये इधर से ऑटोमेटिकली पूरे सिंबल आपके सारे चेंज हो जाएंगे। ये देखें इस तरह EP यूटिलिटी पोल का सिंबल और जो जो आपने सिंबल लाइटिंग पोल ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इसी तरीके से ट्रीज का सिंबल है, इसी तरीके से गैस लाइन और ये मुख्तलिफ फार्मेट जो जो आपने दिए हैं, ये बेंच मार्क है आपका, बेंच मार्क की सेटिंग है, ये पैलोन का सेटिंग है। इसी तरीके से ये आप सारी सेटिंग इसकी कर लें हाइड्रेट वगैरह। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।